हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम एक ऐसे शहर के सफर पर चलेंगे जहाँ होते हैं हर युवा के सपने साकार। एक ऐसा शहर जहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है ये। जी हाँ, ये शहर और इस शहर को BPO और IT हब के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को इसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वर्ल्ड क्लास शहर बनाती हैं। और हाँ, इस शहर में एक ऐसा गार्डन है जो लुप्त प्राय पेड़ों को बचाने में लगा हुआ है। प्रवासी पक्षियों का घर है ये, जहाँ साल में 15,000 से भी ज्यादा पक्षी दुनिया भर से जाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े मॉल्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। और दोस्तों, यहाँ की अथॉरिटी भारत की सबसे अमीर अथॉरिटी मानी जाती है। जी हाँ, इस शहर के एक गांव में होती है रावण की पूजा। दोस्तों, आज हम बात करें भारत की राजधानी से सटे नोएडा शहर के बारे में, जो उत्तर भारत के सबसे ज्यादा डेवलप सिटी में से एक है। चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत शहर नोएडा के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा देना यार, ठीक है। सो दोस्तों, नोएडा का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। ये शहर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का एक हिस्सा है। शहर की जनसंख्या 6,37,272 है। हालांकि ये आंकड़ा 2011 का है, अभी लेटेस्ट में कोई जनगणना तो हुई नहीं है। शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ आपको 2,463 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिल जाएंगे। ये माल का शहर माना जाता है अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और साफ सुथरी रोड आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, नोएडा एक युवाओं का शहर है। IT और BPO हब होने के कारण यहाँ आपको ज्यादातर युवा ही नौकरी करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से इस शहर की नाइट लाइफ आए है क्या ही कहना, गजब की रंगीन हो जाती है। आपको यहाँ बड़े बड़े पब और डिस्को रात भर खुले हुए मिलेंगे, खासकर वीकेंड में तो क्या ही कहना यार, शहर की रंगत ही बदल जाती है। जी हाँ, नोएडा में घूमने के लिए कई लोकप्रिय स्थानों में कई मजेदार जगह, फिर चाहे वो मॉल हो या एडवेंचर पार्क हो या क्लब्स हो, नोएडा में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो मौजूद ही है यार। साथ ही साथ यहाँ इतिहास प्रेमियों के लिए भी कई म्यूजियम और ऐतिहासिक स्मारक है, जिन्हें आप वीकेंड पर अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नोएडा को पूरे भारत का सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। ये शहर अपने कुल क्षेत्रफल का 50% भाग हरियाली को समेटे हुए, जो कि भारत के किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ ये शहर भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है। नोएडा 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया था, इसीलिए हर साल 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाता है। ये शहर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी से, उत्तर और उत्तर पश्चिम में दिल्ली शहर से, उत्तर पूर्व में दिल्ली और गाजियाबाद शहर से, और पूर्व और दिल्ली पूर्व में हिंडन नदी से घिरा हुआ है। इस शहर में आप ब्रज की संस्कृति की झलक देख सकते हैं। नोएडा शहर में आपको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बहुमंजिला इमारतों से घिरे नोएडा में उत्तर भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है, जो कि 81 फ्लोर की है। जी हाँ, जिसकी ऊंचाई 292 मीटर है। ये बिल्डिंग 7.5 एकड़ में फैली हुई है। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। खैर, नोएडा शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ बिजनेस करने वालों के लिए स्वर्ग माना जाता है। दिल्ली में आपको कई छोटे से लेकर बड़े मॉल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लोग ऐसी जगहों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ तरह तरह की दुकानें और मनोरंजन की चीजें मौजूद हों। नोएडा में ऐसा ही है यार, और क्या। नोएडा में एक ऐसा ही DLF मॉल है जो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा मॉल कौन सा है। यार, यही DLF मॉल है, जो कि नोएडा सेक्टर 18 में स्थित है। इस मॉल में 7 फ्लोर हैं और जिसमें 330 से ज्यादा ब्रांड शामिल हैं। साथ ही साथ 7 स्क्रीन के साथ एक मूवी थिएटर भी है। इस मॉल में लोगों की भीड़ ना सिर्फ वीकेंड पर देखने को मिलती है, बल्कि वीकडेज में भी यार यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोग घूमते हुए देखे जा सकते हैं। ये मॉल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आपको शायद ही पता होगा दोस्तों कि नोएडा को सोने की खान भी कहते हैं, क्योंकि ये शहर व्यापार करने के लिए भारत के सबसे बढ़िया शहरों में से एक माना जाता है। ये शहर इंडस्ट्रीज और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए नोएडा शहर सभी को बाहें फैलाकर स्वागत करता है। नोएडा एजुकेशन के मामले में भी बहुत आगे। इस शहर में हायर एजुकेशन के लिए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा निखार कर ला रहे हैं। यहाँ कई बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जो नोएडा में रहने वालों के बीच में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। साथ ही साथ यहाँ हायर एजुकेशन के साथ इंडिया के फेमस स्कूल्स भी हैं, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, महर्षि विद्या मंदिर का नाम मुख्य रूप से आता है। दोस्तों, नोएडा समुद्र तल से 202 मीटर ऊपर है। अगर मौसम की बात करें तो नोएडा शहर में आपको गर्मी में यार बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ही ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। गर्मी में मार्च से जून तक तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। पूरे साल इस शहर में थोड़ी बारिश होती है। इस शहर की सर्दी भी यार बहुत ही फेमस है, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, और क्या। आपको इस शहर में जनवरी के
महीने में घना कोहरा देखने को मिलेगा। ट्रैवलिंग की बात करें तो आपको इस शहर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो देखने को मिलेगी जो पूरे शहर और देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्टेड है। ये शहर ब्लू लाइन मेट्रो से दिल्ली के कनॉट प्लेस, द्वारका सिटी और न्यू दिल्ली से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ब्लू लाइन के अलावा यहाँ पर एक्वा लाइन से भी पूरे नोएडा को आपस में जोड़ा गया है। हमें दोस्तों आपको पहले बताया ना कि ये शहर बीपीओ और आईटी हब के लिए जाना जाता है। नोएडा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में बहुत आगे निकल गया है। आज के समय में ये शहर मुंबई को टक्कर दे रहा है। कई देशी और विदेशी कंपनी इस शहर में अपना बिजनेस बढ़ा रही है। इसी कारण से ये शहर रोजगार के मामले में भी बहुत आगे है। नोएडा सिर्फ आईटी और बीपीओ का घर नहीं है बल्कि ये शहर प्रवासी पक्षियों का भी घर है। नोएडा में यमुना नदी के किनारे स्थित ओखला बर्ड सेंचुरी दुनिया भर से आए प्रवासी पक्षियों के रहने का ठिकाना है। ये पक्षी विहार 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ की कुल जमीन का 80% भाग पानी से जलमग्न है। यहाँ पर सालाना 15,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया और कई देशों से हजारों मील दूर की यात्रा तय करके आते हैं। सर्दी बढ़ते ही ये विदेशी पक्षियों से गुलजार होने लगता है। यहाँ 324 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं जिनमें से करीब 50% प्रवासी पक्षी हैं और इनमें कई ऐसी प्रजातियां हैं जो दुर्लभ किस्म की हैं। यमुना के किनारे ताजी हवा और खूबसूरत पक्षियों के बीच वक्त बिताने के लिए इससे बेहतर शायद यार कोई जगह आपको मिलेगी नहीं। नेचर लवर्स के लिए ये बेस्ट जगह है। वेल दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया था और इसीलिए विजयदशमी को हम सभी रावण के पुतले को जगह जगह पे जलाते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि रावण जैसा विद्वान दुनिया में आज तक फिर कभी पैदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि नोएडा के विसरख गांव में एक रावण का मंदिर है और इस मंदिर को लेकर एक ऐसी मान्यता है कि ये रावण का ननिहाल है, इसीलिए इस गांव के लोग रावण को पूजते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए वीकेंड पर नोएडा में घूमने के लिए कोई मजेदार जगह तलाश करें तो किड्ज़ेनिया जरूर पहुंचें। छोटे बच्चों के लिए ये जगह काफी सीखने वाली है, साथ ही साथ यहां आपके बच्चे सारा दिन मौज मस्ती कर सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ इस जगह में 100 से भी अधिक एक्टिविटी करने वाली चीजें मौजूद हैं जहां आपके बच्चे खुद को पूरा दिन व्यस्त रख सकते हैं। बच्चों के साथ ही साथ यहां बड़ों के लिए भी ना कई खेल और एक्टिविटीज से जुड़ी चीजें मौजूद हैं जहां बड़े भी जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। मौज मस्ती के साथ ही यहां फूड कोर्ट में आप खाने का भी भरपूर मजा ले सकते हैं। नोएडा में स्थित फिल्म सिटी भारतीय मनोरंजन उद्योग के प्रमुख स्थान के लिए जाना जाता है। यहां आपको कई फिल्म, टीवी सीरियल्स, न्यूज चैनल्स और मीडिया की फिल्में शूट की जाती हैं। कई बड़े बड़े न्यूज चैनल के मुख्य कार्यालय कहां हैं? यही तो हैं। दिल्ली के नजदीक होने की वजह से न्यूज मीडिया का सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है ये शहर। दोस्तों, अगर आप नोएडा में जाकर एडवेंचर का लुत्फ उठाना चाहते हो तो आप यहां के वर्ल्ड्स ऑफ वंडर जरूर जाइएगा। ये थीम पार्क 10 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है जिसमें राइड्स एंड वाटर राइड्स शामिल है। इस थीम पार्क में लगभग 20 सवारी, एक वाटर पार्क और गो कार्टिंग के लिए ट्रैक है जो पूरे दिन को रोमांच से भरने के लिए काफी है यार। आप बच्चे हो या बड़े हो, यहां यकीनन आपको बेहद मजा आने वाला है। उम्र के हिसाब से यहां के टिकट का चार्जेस भी अलग अलग है। घूमने का अगर आपका प्लान बने तो नोएडा के इस थीम पार्क में जरूर जाना यार, भूल मत जाना। दोस्तों, नोएडा के जेवर इलाके में बनने वाला एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट करीबन 20,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट का पहला फेज पूरा होने के बाद इसके 8 रनवे से सालाना 1.2 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे। दोस्तों, नोएडा में विलुप्त प्राय पेड़ों को बचाने के लिए बोटैनिकल गार्डन का निर्माण किया गया जिसमें लुप्त प्राय और विलुप्त हो रही पौधों को नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। इस गार्डन में 400 मिलियन साल पहले ही पेड़ों को विकसित किया गया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये गार्डन 160 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 7,500 पौधे हैं। नोएडा शहर की सबसे जबरदस्त बात बताई गया ये है कि आधुनिकता के साथ साथ ये शहर अपने प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। काश ये कोशिश हमारे देश के सभी शहरों में देखने को मिलती। नोएडा शहर को पूरी प्लानिंग से बसाया गया, इसीलिए इस शहर की सभी मेन रोड 6 लेन की हैं और ये पूरी तरह से सीधी मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं कि ज़िगज़ैग मिले। इस शहर में आपको 3 मुख्य एक्सप्रेसवे, डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे मिलेगा। नोएडा में फार्मूला 1 का सर्किट है जो भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला सर्किट है। ये मोटर रेसिंग सर्किट है जिसकी लंबाई करीबन 5 किलोमीटर की है। इस सर्किट में फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2011 से लेकर 2013 तक आयोजित हुआ था। इसके बाद कुछ राजनीतिक कारणों से इस ट्रैक पर अब कोई बड़ी आयोजन नहीं हो पा रही है। दोस्तों, तो ये था बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक शहर नोएडा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको नोएडा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे हाँ, क्या आप कभी नोएडा गए हो या नहीं गए हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर गए हो तो? ये सारी चीजें आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।